Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all about teacher education, the status of teacher education in India. If you have ever read the NEP 2020 on teacher education, the first line it has been written there according to Justice Verma Committee and all. So I thought that first of all, I have to discuss with you all Justice Verma Committee, and then after that, I will discuss the NEP 2020 on teacher education. So firstly, we have to know what are the recommendations, what were the recommendations of Justice Verma Committee on teacher education, and then we will come to the recommendations of National Education Policy 2020. Okay, so lecture will be in bilingual mode and it must be useful for you all, no doubt. So first of all, we are only talking about the recommendations of Justice Verma Committee. So Justice Verma Committee, naam se hi aapko pata chal raha hai ki Justice Saab hai iske chairman Verma, Justice J.C. Verma, I think. So Honorable Court ne, Supreme Court ne isko committee ko gathit kiya tha ki teacher education ki status pe aap apne recommendations dijiye. To isne apne recommendation ko char bhagon mein baata hai, total 5. Pehla hai quality of pre-service teacher education, phir quality of in-service teacher education, phir inhone teacher audit ki baat ki hai. और फिर इन्होंने बात की है कि NCTE को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, फिर जनरल रिकमेंडेशंस है. इन 5 हेड के तहत आप ये रिकमेंडेशन समझ सकते हैं. इसके क्यों गठित हुई कि किसने किसके लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है ना, इसका मतलब कि किसी ने कुछ दायर किया होगा याचिका कि ये गड़बड़ है तो उसको सुधारने के लिए. ये सब आप इस सब पे आप गूगल कर लीजिए. हम सिर्फ रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर सकें. तो रिकमेंडेशंस, और एक बात ध्यान में रखिए, हमेशा हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि 2010 के बाद जितनी कमेटी कमीशंस गठित हुए हैं वो सब इस लाइट में हैं, इस प्रकाश में हैं कि 2010 में क्या हो चुका है, राइट टू एजुकेशन आ चुका है, है ना. तो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी कमीशन या कमेटी गठित होगी 2010 के बाद, वो ये उसको मेन अम्ब्रेला टर्म राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत होगी. तो ये 2012 का है, इसका मतलब इसमें राइट टू एजुकेशन लागू हो चुका है आपके देश में. तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन यानी कि जो ट्रेनीज हैं, जो बीएड ट्रेनीज हैं उनके लिए, फिर वो जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो लगे हुए हैं सेवारत हैं उनके लिए कैसे क्या सुधार किया जाना आवश्यक है. तो कमीशन ने प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए कहा, द कमीशन रिकमेंड्स दैट द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट इन एस्टैब्लिशिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्रीज द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन स्पेशली इन द डेफिसिट स्टेट्स. उसने ये आकलन लगाया, उसने ये गणना की, देखा कि राज्य, जो कुछ राज्य ऐसे हैं देश के जो डेफिसिट हैं, जहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, जो हैं भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स की स्थिति अच्छी नहीं है, जो रिक्रूट हो रहे हैं टीचर वो वेल केपेबल और वेल आप कह सकते हैं कि क्वालिफाइड नहीं है. तो कमीशन ने कहा कि हमको इन्वेस्ट, मतलब हमको, मतलब सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि टीचर प्रिपरेशन की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी बढ़े और डेफिसिट स्टेट्स, स्पेशली वो जो डेफिसिट स्टेट्स हैं. फिर टीचर एजुकेशन शुड बी ए पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम. उसने कहा कि जो शिक्षक शिक्षा है वो उच्च शिक्षा का ही एक भाग होना चाहिए. द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन नीड्स टू बी एनहांस्ड. देखिए कब से कहा जा रहा है कि टीचर एजुकेशन का ड्यूरेशन बढ़ाइए. एक साल में चलता था बीएड पहले, और जाके ये 2014 के बाद 2014-15 से ये 2 साल का हुआ है द्विवर्षीय पाठ्यक्रम. तो वो कह रहे हैं कि आप, हाँ, कि जब 1 साल में होता है तो क्या होता है, प्रैक्टिस भी उसी में, टीचिंग भी उसी में, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स भी, तो कोई भी पार्ट पे हम ज्यादा इम्फेसिस नहीं कर पाते. और आप, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है तो इट हैज टू बी इनहेंस्ड ड्यूरेशन. तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन कमीशन, जो कोठारी कमीशन 1964 में बना, 66 में उसने रिपोर्ट सबमिट की, तब से वो कह रहा है कि टीचर एजुकेशन का ड्यूरेशन बढ़ा दो, लेकिन नहीं बढ़ाया अभी तक, तो अब बढ़ा दीजिए. हमको ये ध्यान में रखना है कि 11 साल पहले की ये कमेटी है, और चूंकि जैसे ही आप एनईपी 2020 पढ़ते हैं टीचर एजुकेशन में सिर्फ 11-13 पॉइंट्स हैं, और वो पहली लाइन कहता है अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा कमेटी. तो
तो शायद मतलब मुझे लगा कि पहले जस्टिस वर्मा कमेटी आपसे डिस्कस कर लूं कि वो क्या कह चुकी थी, अब इन्होंने क्या कहा है, तो अब हम अपने टीचर एजुकेशन को किस तरह से सुधार सकते हैं. इट इज डिजायरेबल दैट न्यू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड इन मल्टी एंड इंटर डिसिप्लिनरी एकेडमिक एनवायरमेंट्स. देखिए आप, ये सारी बातें पहले की जा रही है. अगर हमने जस्टिस वर्मा कमेटी नहीं पढ़ी होती तो हमको लगता कि एनईपी 2020 ये बात पहली बार कह रहा है, लेकिन ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो मल्टी और इंटर डिसिप्लिनरी एकेडमिक एनवायरमेंट में स्थित हो, यानी कि स्टैंड अलोन को खत्म करिए. यही बात तो वो भी कह रहा है ना आपका एनईपी 2020 कि सिर्फ टीचर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, वो वहां और भी कोर्सेज चलते हो, मल्टी एंड इंटर डिसिप्लिनरी एकेडमिक एनवायरमेंट. दिस विल हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर द रीडिजाइनिंग ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियस टीचर एजुकेशन कोर्सेज स्पेसिफाइड बाय द एनसीटीई. एनसीटीई के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन. वो कह रहा है कि दिस विल हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस, इसका कुछ महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन निकलेगा एनसीटीई जो कोर्सेज बनाएगी उसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को रीडिजाइन करने के लिए. वो कह रहा है कि करंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स मे बी रीडिजाइंड कीपिंग इन व्यू द रिकमेंडेशंस इन द एनसीएफटीई 2009 नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009. देखिए 2009 में जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क क्या है कि हम करिकुलम बनाएंगे, एक नेशनल बॉडी बनाएंगे, आप अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से अपने अपने राज्य उसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, पर बेसिक आपको वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है. तो ऐसा स्कूल एजुकेशन के लिए भी बनता है, ऐसा टीचर एजुकेशन के लिए भी बनता है. लेकिन टीचर एजुकेशन में ये दुख की बात है कि 2009 के बाद से इसमें कोई हमको फ्रेमवर्क नहीं मिला है. अपितु एनईपी 2020 ने कहा कि हमने ये आपको नेशनल फ्रेमवर्क दे दिया, अब स्कूल एजुकेशन अपने हिसाब से, टीचर एजुकेशन अपने हिसाब से अपना अपना फ्रेमवर्क बना ले. तो स्कूल एजुकेशन ने तो बना लिया 2023 में, लेकिन टीचर एजुकेशन ने अभी तक नहीं बनाया, मतलब टीचर एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी ने अभी तक नहीं बनाया है. तो ये एक दुख की बात है कि 3 साल हो गया पॉलिसी आए हुए, अभी तक टीचर एजुकेशन को उसका फ्रेमवर्क नहीं मिला है. तो चूंकि ये 2009 में आई ही थी एनसीएफटीई और 2012 में ये आ रही थी, तो इसने कहा कि आप 2009 के हिसाब से अपना करिकुलम रीडिजाइन कर लीजिए. और क्या कहा इसने, इन कीपिंग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द एजुकेशन कमीशन एवरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मे हैव अ डेडिकेटेड स्कूल अटैच्ड टू इट एज अ लेबोरेटरी वेयर स्टूडेंट टीचर्स गेट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज एंड होन देयर कैपेसिटीज एंड स्किल्स टू बिकम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स. एजुकेशन देखो, और ये एजुकेशन जो जस्टिस वर्मा कमेटी है, बार बार एजुकेशन कमीशन को कोट करिए कि देखिए भाई कोठारी कमीशन ये कह के गया है अभी तक आपने नहीं किया, अब कर लीजिए. क्या कर लीजिए कि हर जगह जहाँ बीएड टीचर ट्रेनिंग्स, बीएड की पढ़ाई होती है, जहाँ टीचर ट्रेनीज होते हैं, जहाँ टीचर बनाए जाते हैं प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, उनको कह रहे हैं कि उनके पास एक स्कूल होना चाहिए ताकि वो वहीं पे पढ़ाए ना, प्रैक्टिस टीचिंग वहीं करें, अपना पढ़ाना लिखाना, कैसे हम कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि कई बार तो हमको स्कूल ही नहीं मिलता जहां हम अपने ट्रेनीज को भेजें पढ़ाने के लिए, और फिर स्कूल अथॉरिटी हमको उनके टाइम टेबल में चेंज नहीं करने देती है, हमको अपने हिसाब से नहीं पढ़ाने देती. वो कहते हैं हम जहां पढ़ा रहे हैं, हमारा जो कोर्स चल रहा है, हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं आप वैसे ही पढ़ाइए वरना हमारा सिलेबस नहीं कम्प्लीट होगा ना. ये सारी बहुत प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं जब आप बीएड कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं. तो उन्होंने कहा कि आप अपना स्कूल रखिए ना अपने साथ, तो वहां पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. फिर देयर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल लेवल एकेडमिक बॉडी फॉर कंटिन्यूअल रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स देयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेटर्स. उन्होंने कहा एक ऐसा नेशनल लेवल एकेडमिक बॉडी बना लीजिए जो ये सब कुछ देखे. ठीक है, फिर as a matter of policy the first professional degree or diploma in teacher education should be offered only in face to face mode. देखिए एक ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा ये आश्चर्यचकित लगा कि हम लोग तो अब कोरोना के बाद face to face और distance और blended और ये सारी बातें कर रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम अभी नया नया blended को जाने है ना. लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हमें पता नहीं होता है कि क्या कह दिया गया है, तो हमको नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ द लोग पीपल्स को आई हैव थिंक सो कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने ही 2012 में ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया है. तो उसने ये कहा कि टीचर एजुकेशन को आप फेस टू फेस मोड में ही चलाइए. डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स एंड द यूज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल मे बी डेवलप्ड एंड यूज फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स. उन्होंने कहा जो सीपीडी का कंसेप्ट होता है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की अब हम सेवारत हैं और हमको कुछ नया करना है, नया सीखना है, नया पढ़ते जाना है, तब आप उसके लिए ब्लेंडेड लर्निंग मटीरियल का यूज कीजिए कि आपको छुट्टी ना लेनी पड़े, डीएलसीएल ना लेनी पड़े, और आप सेल्फ पेस से आप कभी भी उसको पढ़ सकें.
जो नॉर्मल पढ़ाई है वो आप फेस टू फेस मोड में ही कराइए, ये कहा जस्टिस वर्मा कमेटी ने। और ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल 11 साल पहले से हो रहा है, इवन अर्लियर हो रहा होगा, कुछ और पढ़ेंगे तो पता चलेगा। द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स। देखिए मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यही है कि जितना बढ़िया आप टीचर बना देंगे उतना ही बढ़िया वो अपना स्टूडेंट बना देगा, और इस तरह से हर टीचर अपने स्टूडेंट्स अच्छे बनाता चलेगा तो सब लोग बढ़िया बन जाएंगे और हमको वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। There is a need to make the Master in Education program of 2-year duration with the provision to branch out for specialization in curriculum and pedagogic studies, foundation studies, management, policy and finance and other areas of emerging concerns in education. उन्होंने कहा कि मास्टर इन एजुकेशन को भी आप 2 साल का कर दीजिए और उसमें ये स्पेशलाइजेशन जोड़ दीजिए। फिर एनसीटी नीड टू डेवलप ब्रॉड बेस्ड नॉर्म्स फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स। वो कह रहा है कि टीचर एजुकेटर्स के लिए एनसीटी नॉर्म्स डेवलप करे। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचिंग प्रैक्टिशनर्स टू टीच इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज विजिटिंग फैकल्टी मे बी एक्सप्लोर्ड। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर टीचर एजुकेशन शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। यानी कि कोई बढ़िया आपका टीचिंग प्रैक्टिशनर चल रहा है तो आप विजिटिंग फैकल्टी उसको बना लीजिए, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलवाइए, ये सब। देयर इज अ नीड फॉर एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट इन द प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इन जनरल एंड इन टीचर एजुकेशन इन पर्टिकुलर। ये शिक्षा के क्षेत्र में शोध अनुसंधान को आप में ज्यादा पैसा लगाइए इन्वेस्टमेंट के लिए। बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा तो बढ़िया रिसर्च होगी, और स्पेशली शिक्षक शिक्षा में, ताकि हमको पता चल सके क्या खामियां हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रोबेबल। फिर इन सर्विस टीचर एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए, ये तो हमने बनाने से पहले ही बढ़िया टीचर बना दिया, लेकिन टीचर अब आ गया है सर्विस में तो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट ग्रुप टू डेवलप ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाए, एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाए जो कि पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए। और ऑल एग्जिस्टिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इंपार्टिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। जितने भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जहाँ पे इन सर्विस टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ उनको आप स्ट्रेंथन कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाइए जिससे कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहे। और टीचर परफॉर्मेंस एंड टीचर ऑडिट की बात की इसने कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स मे डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचर परफॉर्मेंस कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइंस सजेस्टेड इन द रिपोर्ट। यानी कि रिपोर्ट में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमको शिक्षक का जो परफॉर्मेंस है, जो निष्पादन कर रहा है वो, उसका एक आकलन करते रहना चाहिए ताकि हमको एक अकाउंटेबिलिटी रहे कि हमको बढ़िया काम करना है, वरना सर्विस में आ जाने के बाद फिर हम लोग पढ़ना पढ़ाना छोड़ देते हैं ना। फिर रिकमेंडेशंस में क्या है कि स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ एनसीटी। जितना एनसीटी सुदृढ़ होगा उतना ही बढ़िया वो काम करेगा। तो कह रहे हैं कि एनसीटी जो है वो रिव्यू करे अपने नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, वो गाइडलाइन बनाए जिससे कि इनोवेटिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज किया जा सके। एनसीटी एक फ्रेमवर्क बनाए जिससे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आप इंस्पेक्शन कर सकें, वो पैरामीटर्स बताइए जिससे क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में डेवलप हो सके, है ना, ये सारी बातें। क्योंकि एनसीटी तो ग्रांट भी देती है, आपका बीच बीच में असेसमेंट भी करती है। फिर एनसीटी शुड फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट रेगुलेशंस फॉर इंप्लीमेंटिंग सेक्शन 17 ऑफ द एनसीटीई एक्ट 1993। आप देख लीजिए जाके कि एक्ट 1993 का सेक्शन 17 में क्या लिखा है। उसने कहा कि फिर उसको एक टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन सेंटर बनाना चाहिए। देखिए जब नहीं आप पढ़िए तो क्या क्या पता चलता है, एनईएएसी, एक्चुअली ये एनईएएसी नहीं टीईएएसी होना चाहिए, ये गलती है, टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन सेंटर है, गलती से ये यहाँ का एन आ गया है, टी है। एंड कॉन्स्टिट्यूट ए कमिटी टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ एक्रीडिटेशन। तो बनाइए आप, ऐसा कितना काम है, सुधारना है तो आप कितने लेवल पर सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। द एनसीटी शुड नोटिफाई रेगुलेशंस टू गवर्न इंस्पेक्शंस ऑफ टीचर एजुकेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, एसेंशियल टू एस्टैब्लिश ए विजिलेंस सेल इन द एनसीटी। तो इतना सारा कुछ वो बता रहा है कि एनसीटी ऐसे बढ़िया हो जाए, ऐसे काम करे, ऐसे काम करे तो हम बढ़िया टीचर एजुकेशन को चला सकते हैं। और जनरल रिकमेंडेशंस क्या है कि द कमीशन रिकमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमिटी टू इनेबल the setting up of structural mechanisms and processes for instituting each of the recommendations outlined in this report. यानी कि इस रिपोर्ट में जो जो कहा गया है वो कैसे हम उसको कार्यान्वयन करेंगे, क्रियान्वयन उसका कैसे करेंगे, इसके लिए भी आप स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म बना लीजिए।
तो इतनी बातें तो जस्टिस वर्मा की कमेटी ही कह गई थी 2012 में, तो इसमें थोड़ा बहुत ही और जोड़ा गया है एनईपी 2020 में। और देखिए हर जो नई कमीशन या कमेटी बनती है वो अपने पीछे वाले को, जो उसके पहले आ चुकी होती है उसी के रिकमेंडेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाती है ना, कि इतना कहा जा चुका है इतना और करिए, या इतना कहा जा चुका है इतना अभी तक आपने नहीं किया है ये आप कर लीजिए। जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी बार बार कोठारी कमीशन को कोट कर रही है ना। तो ये हुई जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन फॉर इन सर्विस प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर ऑडिट के लिए, एनसीटी को सुदृढ़ करने के लिए, और कुछ और कैसे ये सारा काम चलेगा उसके लिए। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं एनईपी 2020 ने टीचर एजुकेशन पे क्या कहा, और हमको ये पता होगा अब कि जस्टिस वर्मा कमेटी क्या कह के जा चुकी है। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक फॉर यू, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। I have done from my side.